सोनभद्र के म्योरपुर में भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर संपन्न हुई छठ पूजा का महापर्व। म्योरपुर के हनुमान मंदिर पर चल रहे छठ पर्व के चौथे दिन आज बुधवार को भगवान भास्कर को अर्घ्य दे छठ पूजा संपन्न हुई। छठ पूजा का महापर्व पूरे देश सहित विदेशों में भी मनाया जा रहा है। बताते चलें कि सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध छठ महापर्व मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह पर्व वर्ष में दो बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। व्रती महिलाएं पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए इस पूजा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। छठ पूजा को स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ घाट पर शिरकत करने पहुंचे मुख्य अतिथि दुधी विधायक हरिराम चिरो प्रांगण में पहुंचे, सबसे पहले उपासना कर रही व्रती महिलाओं का आशीर्वाद लिया तथा जय बजरंग सेवा समिति द्वारा मुख्य अतिथि का माल्यार्पण अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया गया। अपने अपने संबोधन में श्री चेरो ने कहा कि इतनी बड़ी पूजा का आयोजन करा पाना बहुत ही गर्व की बात है। आयोजन समिति को शुभकामना देते हुए कहा कि छठ माह के पूजा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, जो भी मदद चाहिए उसके लिए मैं तैयार हूँ। बजरंग सेवा समिति को 25,000 रुपए आर्थिक मदद करने का ऐलान किया। वहीं विशिष्ट अतिथि मानसिंह गौड़ ने भी छठ घाट बनवाने का मंच से ऐलान किया। मौके पर ग्राम प्रधान लालता जायसवाल, सौंप बच्चा अग्रहरी गणेश जायसवाल, प्रवीण कुमार, अमित रावत, अंकित जायसवाल, पुष्पेंद्र अग्रहरी, होरीलाल पासवान, इम्तियाज आलम, संतोष केसरी, राहुल जायसवाल, अमित जायसवाल, सुरेश केसरी, दीपक कुमार सहित कमेटी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।